हेलो एन अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज जो मैं मीठा बनाने लगी हूँ वो मिडिल ईस्ट में बहुत पसंद किया जाता है। उसका नाम है अली। बहुत ही प्यारा नाम है। इसका मतलब क्या है? अली की अम्मी। जितना प्यारा नाम उतना ही मज़ेदार इसका फ्लेवर। और जब भी मैं उसको खाती हूँ मुझे एक चीज़ बड़ी याद आती है जो यहाँ नहीं मिलती, और वो है बाकर खानी। कितनी खाई जाती है, कभी चाय में कभी वैसे। मैंने जो रेसिपी इसकी ढूंढी है बहुत ही आसान है, आप सब इसको बना सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं। आपको चाहिए कुछ नट्स। मैंने यहाँ पे वॉलनट्स लिए हैं, कुछ इस तरह के बादाम लिए हैं जिनका छिलका भी उतरा हुआ है और कटे हुए हैं, पिस्ता और रेजन। आप इसमें हेज़लनट भी डाल सकते हैं या जो भी आपका नट्स डालने को दिल करे आप डाल सकते हैं। और हमें चाहिए दूध, 2 लीटर दूध, कंडेंस्ड मिल्क और डबल क्रीम, और कुछ मक्खन चाहिए हमें जो हम यूज़ करेंगे। सो आप ये लें फिलो पेस्ट्री और उसको आपने काटना है अराउंड 2 इंच 1.5 इंच स्क्वायर। इसको बस यूँ काटते जाएं अंदाजे से, यू डोंट हैव टू मेजर इट, जस्ट कट इट। वेरी सिंपल एंड ईजी एंड मज़ेदार, दैट्स वॉट वी नीड, राइट? पीपल प्लीजिंग रेसिपी है ये। अगर परफेक्ट साइज नहीं भी कटता तो कोई बात नहीं, बिकॉज ये सब मिक्स हो जाएगा उसमें। नाउ लेट्स जस्ट मूव इट दिस वे। सब कट गए हैं। सो नाउ आई हैव कट द फिलो पेस्ट्री शीट्स। नाउ आई एम गोइंग टू put them in the bowl and then add the butter to it, and this is pretty heavy, straight nahi bhi hai to koi baat nahi, wo sab theek ho jayega। ab check kar lein kahin se nahi kata to wo kaat lein aaram se, usko khol lein thoda sa haath se aise karke alag alag kar lein taki chote pieces ho, bahut lambe lambe pieces na ho। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको, और तस्वीर भेजें मुझे, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, यूट्यूब पे भी भेज सकते हैं। अब मैं पिघला हुआ मक्खन इसके अंदर डालूँगी, उसको थोड़ा मेल्ट कर लें तो वो सबको लगना आसान हो जाएगा। पूरा नहीं मैं डाल रही, जहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल हो सके कर लेना चाहिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, हाथ से कर लें, इससे कर लें, जैसे हाथ से ही करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह एक दूसरे को लगे मक्खन। हर लेयर, हर शीट को अगर लग सकता है तो लग जाए। सो जस्ट टेक अ शीट पैन या कोई डिश ले लें पायरेक्स की, और उसको अच्छी तरह बटर लगा लें, और फिर उसके ऊपर ये फिलो पेस्ट्री जो हमने काटी है ये हम डालेंगे और उसको बेक करेंगे जब तक ये क्रिस्प हो जाए अच्छी तरह। उसको भी बटर लगा हुआ चिपकेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा लगा लें तो अच्छा ही है। जस्ट प्लेस इट एवरीवेयर, इसको खोल लें थोड़ा, सेपरेट कर लें थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके, जितना अलग होगा उतना अच्छा क्रिस्प हो जाएगा। जितना हो सकता है खोल लें। सो लेट्स पुट इट इन द ओवन। लिक्विड मिक्सचर, मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क,
This is why we don't need sugar, because we are adding condensed milk. And I won't add full, I will taste it first. And double cream. Mix it. इनको मीडियम हीट पर रखना है, बस बॉयल आए तो उसको आप बंद कर दें. एंड इट्स रेडी. ये देखें कितने अच्छे हो रहे हैं. वी जस्ट हैव टू मूव इट अराउंड, कीप इट बैक फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट के बाद इनको निकाल के इट्स रेडी. मिक्स करना है, ऐसे मूव अराउंड करना है ताकि जो ब्राउन नहीं हुए वो भी ब्राउन हो जाए. Putting it back in for 5 minutes. These are ready. आप कोई भी डिश ले सकते हैं. यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ डिश. आई हैव दीज रैमकिन्स हेयर एंड अ फ्यू स्मॉल वंस. ओवन प्रूफ होनी चाहिए. बड़ी लें, छोटी लें, जैसी आप चाहते हैं. इनका ये फ़ायदा है कि दिस इज़ लाइक अ सिंगल सर्विंग. पीपल कैन ईजीली एक ले लें और उसी में खा लें. तो लेट्स स्टार्ट. आई एम जस्ट गोइंग टू फिल इन विद द पफ पेस्ट्री. ले लेते हैं, उसको फिल इन कर लें, छोटों को भी फिल इन कर लें. नाउ लेट्स ऐड सम रेजिंस सब में. आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, थोड़े चाहिए तो थोड़े, आपकी मर्ज़ी है, आपकी डिश है. पिस्ता, थोड़ा ऊपर भी डाल देंगे. बादाम, वॉलनट्स. बस मैं और जो आपने लिक्विड मिक्सचर बनाया है वो ऊपर डाल दें. It goes in the oven again.